मोहल्ले में डॉक्टर साहब हैं, सामने ही हमारे घर के हैं, तो हज उमरा करने गए थे। वो डॉक्टर साहब गए थे और उनकी बीवी गई थी, दोनों लोग गए थे, माशाल्लाह देखें तो वहाँ आती हैं। मना किया, मान नहीं रहे, कुल्फी करें खाओ, चलें कुल्फी खा लें। पैसा कहाँ से दिए? डब्बे में से। हाँ, डब्बे में से। अच्छा, लोज लोज हम कुल्फी कितनी खाएंगे? मार्केट से जूस आ जाता है तो कभी कभी जो है घर ही से संतरा आ जाता है, जूस बन जाता है हमारा, तो जूस बनाते हैं तो याद आ जाती है रमज़ान की, कि अभी जल्दी ही रमज़ान गुजरा है माशाल्लाह, तो जूस देखने के बाद रमज़ान की याद आ जाती है। कुल्फी हमारी रखी थी, उसको हम खा लें, उसके बाद चाय बनाते हैं। ये देखें पापड़ छन रहा है, वाली साहब आ रहे हैं नमाज़ पढ़ के मस्जिद से, तो ये तैयारी चल रही है उनकी चाय की, चाय बन गई है, और ये हम लोगों की मीठी चाय, उनकी शुगर वाली, अभी उसमें गोली डालनी है, और तैयारी उनके पापड़ की हो रही है। कुल्फी खा लिया, सब लोगों ने जूस पी लिया, अब पापड़ की बारी, चाय की बारी शाम की। चलो हम भी चल पक कर लें। वहीं पर रख दो, हम भी अपनी चाय ले आते हैं, अभी अब्बू आएंगे तो खाएंगे। कोई ओवरटेक कर रहा था, हम राइटर से देखेंगे कौन गाड़ी हमारे पीछे चल रही है, राइटर से देखेंगे कि लेफ्ट पीछे कहाँ दिखेगी। लेफ्ट का सिर्फ एक काम है हमको, लेफ्ट टर्न करने के लिए, राइट का ज़्यादा काम है हमको। कोई क्रॉस कर रहा वो देखना, हमको राइट घूमना वो देखना। मोहल्ले में डॉक्टर साहब हैं, सामने ही हमारे घर के हैं, तो हज उमरा करने गए थे। वो डॉक्टर साहब गए थे और उनकी बीवी गई थी, दोनों लोग गए थे, माशाल्लाह देखें तो वहाँ से तोहफा भेजे हैं उमरे का, माशाल्लाह देखें, तस्बीह है और अतर है, खजूर है, और ये आब जमजम का पानी है। तो बहरहाल अल्लाह पाक सबको हज और उमरा करने का नसीब फरमाए। देखो तोहफा वहाँ से जो आता है तो हर कोई यही भी लाता है तोहफा ही, ये सब ज़रूरी है लाता है। और हमारे यहाँ भी सब लोग अम्मी अब्बू गए थे, तो वहाँ से हमारे अब्बू तो दो बार हज किए, एक बार हज किए, एक बार हज बदल किए, तो अब्बू भी मेरे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लाए थे, तो ऐसे ही भर भर के सब बाँटा गया था। जा रहे हैं अंडे की भुजिया जो झटपट बनने वाली है, भुजिया के लिए हमने ले लिया टमाटर, प्याज कट कर ली, टमाटर कट कर लिया है, ले ली है मिर्ची, अंडे को फोड़ लिया, उसमें डाल दिया है नमक और लाल मिर्च पाउडर, अंडे को लेते हैं फेट को, लाल हो गया, डाल दिया है प्याज और काट लिया है हरी धनिया, प्याज हमारी अच्छी लाल हो जाए। और इधर हमारे सारे सामान बिल्कुल रेडी हैं, नाश्ते के लिए हमने आटा भी गूंद लिया है, और सब प्याज मेरी फ्राई हो रही है, इसमें डाल दे रहे हैं हरी मिर्च जो तीखी है, नाचना ना आए तो ये नचा देती है, और हम डाल दे रहे हैं थोड़ा सा लहसुन अदरक और फिर चला देते हैं। अब ये खुद हरी मिर्च कैसे नाच रही है देखें, सबको नचाती है, इस वक्त ये खुद नाच रही है, अपना भी टाइम आएगा। और हम डाल दे रहे हैं टमाटर, इसको भी अच्छे से नचा दें, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, किसी से नाश्ते के लिए कहो तो उसके सर पर कोई जूं ही नहीं रेंगती कि जल्दी नाश्ता बना लें। इसको थोड़ी देर ढक दिया है, टमाटर हमारा बिल्कुल हो गया, बिल्कुल टमाटर बिल्कुल अच्छे से हो गया, और हम डाल दे रहे हैं अंडे को जो फिट कर रखे थे, और अच्छे से खूब चला लेते हैं। और अंडे की भुजिया देखें करीब करीब हमारी रेडी हो चुकी है, एक बार इसको अच्छे से और चला लेते हैं, करीब करीब हो गई है, धनिया डाल देते हैं, और हमने ये डाल दिया धनिया, खूब अच्छे से हम इसको चला देते हैं। तो अंडे की भुजिया बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है, 15 मिनट में नाश्ता मेरा तैयार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, हम भी अच्छे हैं। देखें अंडे की भुजिया बन गई है नाश्ते में, और आटा गूंद लिया है, जा रहे हैं रोटी बेलने, और यहाँ पर तैयारी हो रही है। अब्बू फ़ोन कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, बात कर लो,
उबैद की तैयारी हो रही है, जा रहे हैं उबैद पेपर देने अपना। कपड़ा सब निकाल लिए हैं अलमारी में से अपना, पेपर देने की तैयारी चल रही है। बात कर लो अबू से, नाश्ता करो तब निकलो। मेरे कपड़े वो देखें अभी रखे हुए हैं, और देखें वाइट वाले तो आज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे धुलने हैं। मशीन में जो है घूम गया है, बस इसको साफ पानी से धुलना है और हल्की नील लगानी है और रिवाइव लगानी है, बस कम डाल देना है। मेहनत ज़्यादा नहीं है, मशीन से धुल गया है मेरा कपड़ा। देखो बुझा दो चावल। हाँ, मास्क की जरूरत ना है। हाँ, दुआ पढ़ लियो, बैठने से पहले दुआ पढ़ लो। ठीक जा, अल्लाह हाफिज। पहुँच जाओ तो फोन करके बताओ कि यहाँ पहुँच गए। चलो ठीक। तो उबैद को अल्लाह हाफिज कर दिया, उसके बाद हम वीडियो बनाते वापस बाहर वाले रूम से आ गए बीच वाले रूम में। तो एसी का सब खुला हुआ था, उसको ढाक दिया था। उसके बाद चलते हैं किचन में, और फरहान का मोबाइल है, वो मैच देख रहे हैं अपना। तो किचन में आ जाते हैं, और सब्ज़ी हमारी प्याज कट गई है, उसके बाद जो है दाल चढ़ा दिया है, आलू काट दिया है और सोया काट दिया है सब्ज़ी के लिए। आलू काट कर भिगो दिया है पानी में, वरना काला हो जाएगा। चावल भिगा दिया है, और हरी आलू के लिए हरी सब्ज़ी हमारी रेडी है। तो सब्ज़ी पहले कढ़ाई में चढ़ा दिया, हमारी सब्ज़ी कढ़ाई में हमने चढ़ा दिया, दाल चढ़ाए हुए थे तो हमने कहा सब्ज़ी में कढ़ाई में चढ़ा देते हैं। तो हमारी सब्ज़ी देखें चढ़ी हुई है, दाल चढ़ी हुई है। दाल अगर जल्दी हो जाती तो ये सब्ज़ी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि दो कुकर नहीं गंदा करेंगे। आरजू को बहुत ज़्यादा हो जाएगा बर्तन धुलने के लिए, तो इसलिए एक ही कुकर गंदा करेंगे, कि तीन लोग घर में हैं तो इसलिए ज़्यादा कुकर नहीं निकालेंगे। सब्ज़ी इसमें थोड़ा बहुत गला लेते हैं, जब से दाल हो जाती है तो फिर सब्जी को कढ़ाई से खाली करके कुकर में डाल देंगे, इसी में सब्जी भी हो जाएगी फट से हमारी। चावल हम चढ़ा देते हैं। अदनान को बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, दो बार आ चुके हैं और फिर आ रहे हैं। अब हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, अदनान खा चुके हैं, हम और फरहान बचे हुए हैं। तो चल रहे हैं खाना खाने, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक से अच्छी लगे तो लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करें, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे तो वो मेरे चैनल में जाएं और मेरी वीडियो देखें, वॉच करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।